स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एशिया कप के दौरान एक साल लंबे अंतराल के बाद भारत की वनडे टीम में वापसी करने वाले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए भी टीम में शामिल किया गया है। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले जडेजा के पास 2019 विश्व कप के लिए टीम में अपनी जगह पक्की करने का ये सुनहरा मौका है। इस दौरान जडेजा पूर्व दिग्गज गेंदबाज कपिल देव का भी एक रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। यदि वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के दौरान जडेजा 15 विकेट हासिल कर लेते हैं तो वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। कपिल देव ने कैरिबियाई टीम के खिलाफ 42 मैचों में 3.62 की इकोनॉमी से 43 विकेट हासिल किए थे। उनके बाद दूसरे नंबर पर अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 41 विकेट वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट में हासिल किए हैं। उनके बाद तीसरे नंबर पर 33 विकेट के साथ हरभजन सिंह हैं। जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक खेले 19 मैचों में 29 विकेट लिए हैं। यदि वो एशिया कप के फॉर्म को कैरिबियाई टीम के खिलाफ बरकरार रखते हैं तो उनके पास कई दिग्गजों को एक साथ पीछे छोड़ने का शानदार मौका है। यूएई में खेले गए एशिया कप में जडेजा ने 4 मैचों में 7 विकेट हासिल किए थे। टूर्नामेंट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ दिखा था। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से छाप छोड़ी। राजकोट टेस्ट में उन्होंने 4 विकेट लिए। इसके बाद हैदराबाद टेस्ट में तेज गेंदबाजों के दबदबे के बीच वो 3 विकेट लेने में सफल रहे।